Now, Sri Naresh Agarwal. बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नेता सदन आज नहीं है, कुछ अस्वस्थ हैं। हमारी तो ये कामना जल्दी स्वस्थ हो, क्योंकि हम बहुत सामान्य का खुद ही कह रहा हूँ कि अस्वस्थ हैं। मेरी कामना जल्दी स्वस्थ होके आए और जवाब वही दे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि संतोष जी को तो हम लोग उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मान के चल रहे थे। No, Nareshi, he has informed me. See, finance minister has informed me. I am saying same thing. He will come. That he is ill. I pray God he come soon. And he will come for reply. Only thing is that not today. Why हमने भी? Okay. मैंने कहा संतोष जी बैठे हुए हैं, हम लोग तो कुछ और समझ रहे थे, अब तो हमें भी ओके प्लीज अब please तो हमें भी विश्वास होने लगा है कि भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा, जो है सही उसे कहने में कभी हम दलित सीमा से, हमारे कल पूर्व मुख्यमंत्री जी ने दलित सीमाओं से हटकर वहां भाग लिया, क्योंकि एक परंपरा है कि आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर वो तो जाता, हम गए, हम इन चीजों पर विश्वास नहीं करते। और ये तो छोटी मानसिकता ने पैदा कर दिया कि हम राजनीतिक दल एक दूसरे का विरोध मानने लगे। सीवन विचारों का मतभेद होता था, व्यक्तिगत कभी मतभेद नहीं होता था, ये नहीं देखा जाता था हम किस दल में आप किस दल में। हम सब एक संसद सदस्य हैं, हम सब जनप्रतिनिधि हैं और हमारा सबका अधिकार बराबर है, ठीक हमारे विचार अलग हैं। मैं इसी बारे प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ और कहना चाहता हूँ जीत उनकी है, बीजेपी की नहीं है। वोट दिया मोदी को, बीजेपी को नहीं दिया। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जी को बधाई दूंगा, उनसे एक ही बात कहूंगा कि राजनीति में जब आदमी बढ़ता है तो दो चीजें लोग देखते हैं कि राजनीतिक छवि कैसी है और प्रशासनिक छवि कैसी है। राजनीतिक छवि सबने देख ली, अब उनसे उम्मीद है कि प्रशासनिक छवि दिखाएंगे। हम लोगों ने 6 महीने का समय दिया है, इसका मतलब नहीं कि हमने ब्लैंक कोई उनको कागज दे दिया है। हमारा मानना है ना, प्लीज ना नरेश जी, एड्रेस द चेयर एंड प्रोसीड। अब पहली बार आई है बहन हमारी, तो अभी कुछ उन्हें भी सीखने को पड़ेगा, सीखने को मिलेगा। श्रीमद आज ही शायद कुछ अनुभव मिल जाए। मैं कह रहा था कि दो अनुभव होते हैं, प्रशासनिक और एक राजनीतिक। राजनीतिक अनुभव भी देखने को मिलेगा। हमने 6 महीने का समय दिया है। आज भी मीडिया वाले हमसे पूछे थे उत्तर प्रदेश में तमाम कत्ल होने लगे। मैंने कहा ठीक है, हमारी सरकार होती तब तक होता कि कानून व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत आपने वादे किए। आपने चुनाव में कहा था कि पहली कैबिनेट में किसान का कर्जा माफ होगा, बूचड़ खाने बंद हो जाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर पा रही तो कम से कम आप दिल्ली की सरकार से कर दीजिए। हम लोगों ने सबने, कांग्रेस के लोग तो पीएम से मिलने गए थे कर्जा माफी के लिए, हम सबने अपील करी थी इससे कि देश के किसान का अगर कर्जा नहीं माफ हुआ, कि देश के किसान ने अगर तरक्की नहीं की। मैं इसको दुर्भाग्य मानता हूं कि बजट तैयार करते वक्त वित्त मंत्री देश के पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को बुलाता है, लेकिन किसानों से कभी सलाह नहीं लेता है कि बजट किस प्रकार बनना चाहिए। और इसी मारे कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का प्रतिशत निरंतर गिरता चला जा रहा, 42% किसी जमाने में था, आज हम 19% पे आ गए। हमको ये सोचना चाहिए, हमको इस पर विचार करना चाहिए। अगर हम नहीं सोचेंगे, नहीं विचार करेंगे तो हमारे सामने एक विशेष परिस्थिति खड़ी होगी। बहुत वादे इन्होंने किए, मैं चाहूंगा कि ये वादे जो हैं पूरी करें। मैं मानता हूं बजट बनाना, जब संसाधन कम होते तो बजट बना के सबको
लाभान्वित करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जब मैं भी मंत्री था तब मैं देखता था, क्योंकि हमारी जीडीपी घट रही है, हमने क्या वादा किया था, किस पे हम पहुंच गए। हालत ये है कि चीन ने हमारी पूरी मार्केट पर कब्जा कर लिया, किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा है, विश्व में हमारे सामने अजीब स्थिति खड़ी हो गई। आज ऐसा लगता है विश्व का कोई देश हमारे साथ नहीं है। कश्मीर अपने आप में जल रहा है। श्रीमान, हम यह वादा करते हैं कि जब देश का प्रश्न आएगा हम सब देश के साथ खड़े होंगे, लेकिन जहां राजनीति की बात आएगी हम राजनीति करने में कहीं दूर नहीं होंगे। और हम साधु नहीं हैं, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं। मैं इन चार लाइनों के साथ बजट का भाषण शुरू करूंगा कि हवा का जोर सदा एक सा नहीं रहता, कहां तलक के चिरागों को आजमाएगी, कभी तो होगा उजालों का इफ्तारे बसर और कभी तो रात चिरागों की जद में आएगी। हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, कभी हार परमानेंट नहीं मानते, जीत परमानेंट नहीं मानते। हमने बहुत लहर देखी, 71 की भी देखी, 77 की भी देखी, 80 की भी देखी, 84 की भी देखी, 89 बहुत देश में लहर आई। यही बीजेपी एक लहर में दो रह गई थी पार्लियामेंट में, लोकसभा में, और यही गिरिराज सिंह जी को याद होगा मेरे ख्याल से, यही बीजेपी एक जमाने में संख्या दो रह गई थी और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो कभी ये राजनीति को परमानेंसी में नहीं लेना चाहिए, राजनीति टेम्परेरी है। और मैं तो कहता हूं राजनीति में भूतपूर्व शब्द ऐसा जो परमानेंट है, बाकी पद परमानेंट नहीं है। हमको यही अगर हम सोच के चलेंगे, और ये कैसा भूत है जिसका कोई इलाज नहीं, ना जिसका कोई इलाज नहीं। श्रीमान, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब 3 साल पहले इनकी सरकार आई थी कि हम जीडीपी 8% से ऊपर ले जाएंगे, घटती चली गई, आज 7% पे ये हैं। इनके खुद आंकड़े बताते हैं, जब नोटबंदी हुई थी पूर्व प्रधानमंत्री और बहुत देश के बड़े इकोनॉमिस्ट आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने इस बात को कहा था कि आप तैयार रहिए, हो सकता 2% जीडीपी गिरे, उन्होंने बात कही थी तो लोगों ने हंसी में लिया था। लेकिन कहीं नहीं कि सत्यता दिखाई दे रही है, अगर जीडीपी निरंतर गिरती चली गई तो एक बड़ी भारी चुनौती हमारे सामने खड़ी हुई, क्योंकि आज हम अपने जीडीपी का 19% तो सिर्फ ब्याज अदा कर रहे हैं विश्व को, जो विश्व से हम कर्जा ले रहे हैं उसमें ब्याज के तौर पर हम 19% जीडीपी का सिर्फ उनको दे रहे हैं, बाकी और प्रशासनिक खर्चे, तमाम योजनाएं। अगर जीडीपी गिरी तो देश में बेरोजगारी का क्या हालत होगा, कभी आपने सोचा? और बढ़ रही है, अगर जीडीपी कहीं 6% पे आ गई तो हो सकता कहीं नौजवान सड़कों पे ना आ जाए। चलिए, संजय शर्मा जी कह रहे हमने तो बहुत बार उठाया कि सबको पे कमीशन लागू हो रहा, सिर्फ एमपीज को पे कमीशन नहीं लागू हो रहा, पे कमीशन सबका लागू हो गया, अब तो चपरासी की भी तनख्वाह हम लोगों से ज्यादा हो गई। नकवी साहब, आप तो आपका सौभाग्य है, आप नेता सदन है, आप तो हम आपको मान लें नेता सदन, आ तो है नहीं नेता सदन, तो आप ही नेता सदन। यू हैव प्रमोटेड हिम, यू हैव प्रमोटेड हिम, या आई एम प्रमोटिंग हिम, तो चेयर आल्सो आस्क यू एग्री, आप एग्री, पूरा सदन एग्री कर रहा है। पूरा सदन एग्री कर रहा है, आज आप घोषणा कर दीजिए, चेयर हैज नॉट एग्रीड, आप घोषणा कर दीजिए आज। आपका डेलीगेशन मिला था, उसके बारे में भी बता दीजिए कि क्या वहां से उत्तर मिला। सुन लीजिए साहब, बोलिए बोलिए। मैं गया पीएम से मिलने, तो मैंने पीएम से कहा, पीएम ने कहा हम विचार कर रहे हैं। उसके बाद बीजेपी के 12-14 एमपी गए मिलने, हमारे बाद उनका नंबर था,
लौट के आए तो मुंह लटकाए थे, मालूम हुआ इतना डाटा पी गया। बारह चौदह एमपी गए, किसान एमपीओ की तनख्वाह बढ़ा दी। मैं बैठा था, लौट के आया, सब मुंह लटकाए हुए। मैं नाम नहीं लूं, मैंने किससे पूछा, कहने आज बहुत डांट पड़ी हम लोग को। साहित किया कि लगता है कि सब कुछ ठीक है, उसमें जो लोग चले गए आपके प्रोत्साहन में, और लौट के आए तो उल्टा हुआ। तो यही वो पूछ रहे थे हमने, कहा क्या हुआ मिलने के एमपी, तो हमने बताया क्या हुआ। नहीं, अब तो उम्मीद इसलिए है कि जिसने रिकॉर्ड रिकमेंड किया था वो तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो गए, अब तो ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये भी बात ठीक है, सम्मान करना चाहिए। योगी जी कमेटी के चेयरमैन थे जिन्होंने रिकमेंड किया था, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, तो इस सम्मान में ही घोषणा हो जानी चाहिए कि देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हो गए। अभी झटका लगा है, सिर्फ फ्लो में आने में सीवन समय लगेगा हम लोगों को। मैं कह रहा हूं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी 1% रह गई, 1 से भी नीचे चले गए नए आंकड़े जो आए हैं। 4% देश में लोग इनकम टैक्स केवल दे रहे हैं। बैंक का एनपीए बढ़ रहा है, हम हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए अपने बजट से बैंकों को इस मारे दे रहे हैं। चिदंबरम जी बैठे हुए, मैंने भी इनसे कई बार कहा था कि हम अपना पैसा बैंकों को क्यों दें। बैंक के चेयरमैन, आज बैंक के चेयरमैन की हालत है, एमपी तो छोड़ दीजिए, मंत्री भी अगर चेयरमैन को फोन करते तो चेयरमैन कहता है अच्छा मंत्री से फोन कराया है, और काम उल्टा करता। मैं मिसाल बताए तो दे दूं, मैं कहना नहीं चाहता हूं, 3 दिन पहले का किस्सा है, मैंने किससे फोन कराया और उसका क्या रिजल्ट आया। बैंक के अगर सीएमडी पर नकेल करी गई, 7,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया, ऐशो आराम में कितना बैंक का पैसा वो लोग खर्च कर रहे हैं, कभी इसको कभी किसी ने सोचा? सारा इंडस्ट्रियल बंद हो गया, आईएमएफ ने भी रिपोर्ट दी कि जीडीपी और गिरेगी। तो मैं चाहूंगा कि सही आंकड़ों के तथ्य पे अगर वित्त मंत्री जी जब जवाब दे तो बता दे कि जीडीपी रियल कितना है, क्योंकि उनके आंकड़ों से इतना महंगाई है ना, जीडीपी गिरा है, देश ठीक चल रहा है और हम विश्व में बहुत ऊंचे चले गए हैं। लेकिन सही आंकड़े अगर हमसे कहा जाए तो मैं कहूंगा कि कम से कम देश जान तो सकेगा कि क्या देश के सामने तकलीफ है। काले धन का हम सब लोगों ने नोटबंदी का विरोध किया, हम सब चाहते थे काला धन आए। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा, वो जनता को समझाने में सफल हो गए, क्योंकि तो राजनीति में वो आदमी भी बढ़िया जो सफल हो जाए, वो गरीब को बताने में सफल होगा कि हमने नोटबंदी में अमीर को गरीब बना दिया। इस देश में सरकारें नारा देती कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन इस सरकार ने नारा दिया कि हम अमीर ही हटाएंगे, और श्रीमान सफल हुए, अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ी। हम उनसे कहते रहे कि कोई उद्योगपति लाइन में नहीं लगा, लेकिन उनको लगा अब भी कि हमारे जनधन खाते में रुपया आ जाएगा। हम भी और उन्हें साल दो साल समय दे रहे हैं कि पार्लियामेंट तक आ जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन हम सब ये जानना चाहते हैं कि नोटबंदी के समय कितना रुपया रिजर्व बैंक ने 1,500 का नोट मार्केट में जारी किए थे, क्योंकि करीब 82-88% कहते हैं कि 1,500 के नोट जो थे मार्केट में थे, 14,00,000 करोड़ की 72,000 करोड़ की फिगर आई थी, तो कितना जारी हुआ था, कितना जमा हुआ नोटबंदी के बाद। मैं बिल्कुल साफ जानना चाहता हूं कि कितना हुआ, कितना जमा हुआ, और क्या काले धन के रूप में कोई पैसा आया। और हम लोगों ने विदेश से काला धन वापस लाने की जो बात करी थी, सवाल तो चुनाव में था, विदेश से काला धन लाएंगे तो देश में काला धन खोजने लगे। पनामा से हजारों कंपनी का आया कि पनामा के माध्यम से हजारों कंपनियां पनामा में बनी, और हिंदुस्तान का ब्लैक मनी पनामा में व्हाइट हुआ, हिंदुस्तान में एफडीआई के माध्यम से आ गया। एक एक नाम मालूम है सरकार को, तमाम पेपर में नाम आए, स्विट्जरलैंड के बैंकों में किस किस का पैसा जमा है, तमाम नाम आए।
लेकिन क्या बताया गया? आखिर काला धन कितना है देश में पता तो लगे, और अब आपने नए नोट कितने जारी किए? आपने कह दिया नौ नोट पे हमारी 2 रुपए छपाई आई, 3 रुपए छपाई आई, लेकिन आप कागज का तो मूल्य बता नहीं रहे कि नोट के कागज का क्या मूल्य है। खाली छपाई नहीं, कागज का मूल्य भी बताइए। और 2000 के नकली नोट अभी से बाजार में आ गए, तो आपने कौन सी सेफ्टी रखी नए नोट छपने में? आप कहते मैंने हायर सिक्योरिटी रखी, तो फिर कहां से नकली नोट आ रहे हैं? आप कहें रोज में पढ़ लेता हूं, आज 2000 के नकली नोट वहां, चलिए चूरने वाले समझ के मान लीजिए, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये आपका कहना मेरा कहना नहीं है। मैं इस बात को पूछना चाहता हूं कि जहां से हम नोट का कागज ले रहे हैं, वहीं से अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश भी कागज ले रहे हैं तो क्या है डाई भी वहीं से ले रहे हैं, तो ये क्यों है? हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान से और बांग्लादेश से काला ये नकली नोट हमारे पास आ रहा है, तो इस चीज को कम से कम गौर तो करें। और ये भी अगर बता दें कि कितना काला धन अब तक विदेश में है और कब तक वापस आएगा, तो शायद इस देश पे बहुत बड़ा एहसान आपका होगा। हम सब किसान की बात करते हैं, अभी हम बोले थे कि कर्जा माफी की किसान की बड़ी इच्छा है, कांग्रेस ने एक बार कर्जा माफ किया था। प्रधानमंत्री जी चुनाव में कहते रहे कि यूपी कैबिनेट की पहली बैठक में कर्जा माफ हो जाएगा, हम वो मैकेनिज्म नहीं समझ पाए। हमारे मित्र बैठे हैं मुजफ्फरनगर के मंत्री भी हैं, ये शायद ज्यादा अच्छा हमको मैकेनिज्म समझा देंगे कि नेशनलाइज बैंक का कर्जा राज्य सरकार कैसे माफ कर सकती है, ये कौन सा मैकेनिज्म नया पैदा हो गया? अगर एक राज्य सरकार माफ करेगी उसका खर्चा आप उठाएंगे, तो जो देश के अन्य राज्य हैं उनका किसान का क्या होगा, उन राज्यों के सामने क्या समस्या पैदा होगी? स्टेट बैंक की चेयरमैन सीएमडी अनुरुद्ध, क्या नाम है उनका पूरा, अनुरुद्ध भट्टाचार्य जी, उन्होंने खुलके विरोध किया कि किसानों का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए। चलिए घोषणा आप कर दीजिए, आप ही कर दीजिए इसको घोषणा, तो ज्यादा अच्छा रहे। क्योंकि आपने तो कह दिया 14 दिन में गन्ना किसानों का भी पैसा हम दे देंगे। स्टेट बैंक की सीएमडी ने खुल के हम विरोध किया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसे बैंकों का कर्जा किसानों का हम माफ करते रहे तो भविष्य में किसान जो कर्जा लेंगे वो कभी अदा नहीं करेंगे, उससे बैंकों की स्थिति और खराब होगी। आज डालिमा में है, किसी को पता ही नहीं कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। कल यूपी कैबिनेट की बैठक हुई, हम लोग बड़ा इंतजार कर रहे थे कि कम से कम एक राज्य में तो किसानों का कर्जा माफ होगा, क्योंकि जो हमारी सरकार 2012 में हुई थी तो हमने भी किसानों का कर्जा माफ किया था, लेकिन हमारा अधिकार था राज्य कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा माफ करने का, हमारा अधिकार था भूमि विकास बैंक का कर्जा माफ करने का, हमने अपने उस अधिकार को प्रयोग किया, लेकिन नेशनलाइज बैंक का तो माफी नहीं कर सकते थे। मैं चाहूंगा कि कर्जा माफी पर ये सरकार स्पष्ट उत्तर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गंगवार जी कह दीजिएगा वित्त मंत्री जी से, आप क्या उत्तर दें वही दे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने कहा था कि किसान को उपज का 1.5 गुना मूल्य देंगे, नोटबंदी में तो धान की जो कीमत हुई सबको मालूम है, आप सब्सिडी किसान की और कम कर रहे हैं, हर चीज को अगर आप वोट में लेंगे तो बहुत बहुत मुश्किल सामने आ जाएगी। हमको 40 साल हो गए चुनाव जीतते हुए, आप पहली बार जीती हैं, अभी आपको ज्यादा राजनीति का पता नहीं है, हमको 40 साल हो गए लगातार चुनाव जीतते हुए, इसी मारे तो अब भी जीत गए, इस लहर में भी जीते, जब आंधी थी उस आंधी में भी जीते। हम जानते हैं प्रैक्टिकल क्या चीज है,
और हमसे अच्छा कटाक्ष कोई नहीं कर लेता, महिला उस बारे में कुछ नहीं कर रहा हूँ तक। मैं थोड़ी सीमाओं के अंदर हूँ। अच्छा किया गिरिराज भाई, ठीक है हमारे लिए, क्योंकि ये भी फ्री फायर हाल है, हम भी फ्री फायर हाल है, ये हम गिरिराज भाई ठीक है, दोनों लोग हम दोनों भाई हैं, खून तो एक ही होगा, लाल इनका भी लाल हमारा भी खून है, किसी का खून सफेद नहीं है। निरंतर सब्सिडी कम हो रही है, अब खाद पर सब्सिडी कम कर रहे हैं, बीज पर सब्सिडी कम कर रहे हैं, पानी का दाम बढ़ रहा है, किसान की हर चीज का दाम बढ़ रहा, किसान को उपज का दाम नहीं मिल रहा, मार्केट में किसान के खरीद की आपने कोई सिस्टम नहीं रखा, एफसीआई की जो हालत है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, एफसीआई में आपके पास स्टोरेज है नहीं, हर साल ये कहा जाता है करीब 50,000 करोड़ रुपए का हिंदुस्तान में खाद्यान्न इस मारे सड़ता है कि उसको रखने की व्यवस्था नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, और हिंदुस्तान में वो अनाज और चीजें खाने की सड़ जाती है। आखिर इन परिस्थितियों में हम किसान को कैसे जिंदा रखेंगे? एक बहुत बड़ी किसान के सामने समस्या है, जोत छोटी होती चली जा रही, आजादी के बाद 4-5 पीढ़ी खड़ी हो गई, भूमि का बंटवारा होता चला गया, आज 2-2.5 एकड़, 3 एकड़ का किसान रह गया, नौजवानों की खेती में रुचि कम हो रही, नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, व्यापार की तरफ भाग रहे हैं, तो आखिर किसान कैसे जिंदा रहेगा, वो भूमि उपजाऊ कैसे बनी रहेगी? ये एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने, खाली यूपी के सामने नहीं, पूरे देश के सामने समस्या है कि इतना बंटवारा हो गया है कि इतनी जोत छोटी हो गई है कि अगर एक ट्रैक्टर हम ले, ट्रैक्टर पे अगर हम सामान न लोड करें, ढुलाई का काम न करें, तो ट्रैक्टर का हम किस्त बैंक को नहीं दे सकते, ये स्थिति पैदा हो गई है। तो आखिर कैसे किसान का हम भला करेंगे? हम सब कहते हैं देश किसानों का है, हमारे देश की 70% आबादी गांव में रहती है, हम गांव को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन गांव की आबादी शहर की तरफ बढ़ रही, पूरे विश्व में शहर का रहने वाला गांव की तरफ जा रहा है, लंदन अमेरिका में कोई शहर में नहीं रहना चाहता है, वहां गांव को जा रहा है क्योंकि वहां गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन इंडिया में शहरों में इतनी आबादी बढ़ती चली जा रही है, आज कोई ऐसा चाहे छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो जो किलोमीटर में न बढ़ गया हो, क्योंकि आदमी सोचता है कि थोड़ी सा पैसा हम शहर में रहने चले, हमारे बच्चों को शिक्षा भी मिलेगी, हमारे बच्चों को बिजली भी मिलेगी, नौकरी के संसाधन भी उपलब्ध होंगे, तो ये एक जो उल्टा है इस ट्रेडिशन को हमें रोकना पड़ेगा, और किसानों की आत्महत्या को भी हमको रोकना पड़ेगा अगर हमने इस पर नहीं रोक लगाया तो दुर्भाग्य होगा। एक हमारा और कहना है, किसान का मूल्य तय करने की जो कमेटी बनती है, IAS लोगों की कमेटी बना दी गई है, कमेटी बड़ा एहसान करती जब होता है कि गेहूं का MSP मूल्य 20 रुपए बढ़ा दिया, दाल का MSP मूल्य 15 रुपए बढ़ा दिया, श्रीमान अगर किसान को हम प्रोत्साहन नहीं करेंगे, आज हमारा इंपोर्ट कितना दाल का, पलियन जी आप किसान हैं, ये है लागत 1940 रुपए प्रति क्विंटल, MSP 1650 क्यों का? मैं कहूंगा आप बलियन जी खुद किसान हैं, मैं जो बातों को उठा रहा हूँ किसान की असलियत को उठा रहा हूँ, गेहूं की लागत कीमत 1950 रुपए प्रति क्विंटल और 1650 रुपए उसकी MSP प्राइस, तो ये IAS को क्या मालूम किसान जो धान और गेहूं की बाली न पहचानते हो, उनसे आप कहें कि आप किसान की कीमत तय कर दीजिए, तो किसान को कहां से न्याय मिलेगा? मैंने तो हरदम कहा कि किसान की मूल्य करने की जो कमेटी है, एक बार शरद जी जब मंत्री थे हमने पूछा था, तो किसानों को सलाहकार देने की जो समिति बनी थी
उसमें अंबानी टाटा वगैरह सदस्य थे। जवाब था प्रश्न का, जवाब मैं वो जवाब निकाल दूंगा अपने रिकॉर्ड से। तो अगर अंबानी टाटा गोदरेज ये किसान को के लिए एडवाइस देंगे तो भविष्य किसान का क्या होगा हम सब जानते हैं। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि एमएसपी तय करने की कमेटी में कम से कम दो योग्य किसान, जिसको वो देश में समझे जो सबसे प्रगतिशील किसान हो, उनको भी सदस्य बनाया जाए, जिससे वो किसानों का पक्ष भी रह सके। और देश में जो इंपोर्ट हो रहा है, आज सारी दाल बर्मा, कनाडा, आनंद शर्मा जी रहे कॉमर्स मिनिस्टर, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन कितना बड़ा बिजनेस कर रहा, कितना बड़ा गालमेल है। तो उस दिन शरद जी ने उठाया था, शरद यादव जी ने, गेहूं का इम्पोर्ट कर रहे हैं, शुगर का हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो कहां से किसानों को मूल्य मिलेगा? शुगर मिल और किसान अगर दोनों नहीं जिंदा रहेंगे तो भी नहीं ठीक है। 3,000 रुपए में दाल हम एमएसपी रख रहे हैं और आ रही है 4,000 रुपए में, तो ये क्यों, हम क्यों नहीं किसान को प्रोत्साहित करते हैं कि हमारा देश का किसान कमजोर है या हमारा देश का किसान अनभिज्ञ है, वो खुद ही इतना अनाज पैदा कर देगा। अब वो जमाना गया जब लाल गेहूं हिंदुस्तान में अमेरिका से आता था, 0% कर दिया। तो हम आपसे कह रहे हैं जो आपने इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म की है खाद्य पदार्थों पे, 0% जो कर दी उसमें इतनी लगा दीजिए, ये रुक जाए तो देश का किसान पैदा करे और उसको उपज का 1.5 गुना मिल जाए तो मैं शायद सबसे अच्छा समझूंगा। हम सब गरीबी मिटाने की बात करते हैं लेकिन हम अभी तक गरीब की परिभाषा नहीं तय कर पाए आजादी के इतने सालों के बाद। प्लानिंग कमीशन जो अब नीति आयोग बन गया, उनने तय किया था कि 18 रुपए में गांव में रहने वाला गरीब नहीं रहेगा और 23 रुपए जो पैदा करता शहर में वो गरीब नहीं रहेगा। हम सब ने इसको चैलेंज किया था, हम सब ने इस पर विरोध किया था और हमारा कहना था कि 18 रुपए में तो चाय भी नहीं मिलती है, 18 रुपए में अब तो 10 रुपए कुल्लड़ स्टेशन पर चाय मिलने लगी, 18 रुपए में क्या आप कर रहे हैं। 4 कमीशन बैठे, एनसी सक्सेना कमीशन, अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन, तेंदुलकर कमीशन और रंगराजन कमीशन, हर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी। अब शायद आपने 5वां कमीशन कोई बैठा दिया है लेकिन आप कब तक कमीशन बैठा लेंगे? आखिर बीपीएल की परिभाषा तय करेंगे नहीं करेंगे? देश में गरीबी रेखा कहां पर आप मांगेंगे? आप सिर्फ आंकड़ों में गरीबी अगर देश में खत्म कर देंगे तो हो सकता है आंकड़ों में गरीबी खत्म हो जाए लेकिन वस्तुस्थिति में गरीबी कहां पर से खत्म होगी? हमको ये देखना पड़ेगा जिस देश में 30% से ऊपर गरीब हो। Do we need a commission to decide about poverty? नहीं, मैं कमीशन नहीं चाहता, ये तो कमीशन टालने की चीज है। मेरा कहना कि सरकार अपनी विल पावर से घोषणा करे देश में कैसे गरीबी खत्म होगी, आखिर कहां पर से गरीबी, कोई एक रेखा तो तय करे, कोई सीमा तो तय करेगा। हम टालते जाते हैं, जब हम विपक्ष में होते हैं तो तमाम भाषण देते हैं। आज मैं एक वो देख रहा था, वो आया था टेलीफोन में, आसाराम बापू जी को सभी उनसे आशीर्वाद ले रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा उसमें कौन कौन थे। आज ही मैं देख रहा था कि आसाराम बापू के सामने, अब नाम ना लें, वो ज्यादा अच्छा, नाम मत लीजिए, मतलब हमारे देश के वो जिनको हम लोग देश का कर्णधार मानते हैं, जिनको हम लोग अपना आदर्श मानते हो, सब बापूजी के सामने झुकेगा, बापूजी हमको आशीर्वाद दे दीजिए। और बापूजी जेल में पड़े हुए हैं, कायम पड़े, सब जानते हैं बापू को। तो ऐसा नहीं, हमको कहीं ना कहीं एक सीमा तय करनी चाहिए और हमको गरीबी समाप्त करना चाहिए। इसके चलिए चाहे बीपीएल की संख्या बढ़ानी पड़े लेकिन एक संकल्प होना चाहिए कि कोई देश में भूखा नहीं सोएगा, कोई देश में नंगा नहीं सोएगा और कम से कम देश में एजुकेशन बढ़ेगी, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। बिना मकान के नहीं रहेगा, अगर हम इतने साल के बाद ये भी नहीं, इतना बजट और इतना बजट खर्च हो रहा, आखिर जा कहाँ रहा? तो इन पर देखना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म करिए, हम भी पक्ष में, लेकिन कैसे खत्म होगा, आखिर इसकी कोई
रूपरेखा बनेगी, कोई मानक तय होंगे, बेरोजगारी की हालत क्या है। आज हमारा हिंदुस्तान सौभाग्यशाली है कि विश्व में टोटल आबादी का 60% हम नौजवान हैं। विश्व का किसी देश में, चीन ने भी जब एक बच्चे पर रोक लगाई तो चीन के सामने नौजवान आबादी का प्रश्न पैदा हो गया, चीन को उसके खत्म करके दो बच्चों को करना पड़ी सीमा। जापान में 80% आबादी बुढ़ों की हो गई, जापान के बाद सवाल है कि ओल्ड एज होम कहाँ बने, जापान को ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में ओल्ड एज होम बनाने पड़े। हम सौभाग्यशाली हैं, 60% हैं। तो आपने जब कहा था कि 2 लाख नौकरी प्रतिवर्ष देंगे तो अब तक तो 6 लाख लोगों को नौकरी मिल गई होती, 2 करोड़। आपने पैरामिलिट्री में बंद कर दी, बैंकों में नौकरी बंद कर दी, सिविल एशियन सब नौकरी बंद कर दी। तो आप अगर नौकरी बंद करते गए तो देश के कहीं ऐसा ना हो कि देश के प्रतिभा वाली लोग पलायन देश से कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो पलायन और बढ़ जाए, ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो बुजुर्गों को मार्गदर्शक मंडल बना दिया जाता है। हाँ, ये अच्छी है, इस सरकार ने ये अच्छा किया, बुजुर्गों का मार्गदर्शक मंडल बना दिया, तय कर दिया कि इस उम्र वाले जितने बुजुर्ग होंगे वो मार्गदर्शक मंडल में होंगे, एक नया रास्ता दे दिया। तो कम से कम हमारे देश में बुजुर्गों के लिए जो थे पड़ेगा ओल्ड एज होम बनाने की। अब आपसे शिक्षा ली तो कहीं ना कहीं हम भी लागू करेंगे उसको कि नहीं लागू करेंगे भाई, कहीं ना कहीं कोई तो हमको गाइडलाइन माननी पड़ेगी, नहीं माननी पड़ेगी। श्रीमान, अभी तो बहुत समय, अभी तो आधा ही टाइम हुआ है। शिक्षा, हम सब मानते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल होनी चाहिए। कांग्रेस एक बार लाई थी, पिछले सत्र मुझे याद है, मनमोहन सिंह जी के जमाने में आया था कि राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन टू ऑल, उसके लिए सब शिक्षा अभियान चला, प्रौढ़ शिक्षा चला, अनौपचारिक शिक्षा चला। दुर्भाग्य देश में इतनी शिक्षा हो गई, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सी शिक्षा कहाँ होगी, कहीं उर्दू शिक्षा, कहीं संस्कृत शिक्षा, कहीं कॉन्वेंट शिक्षा, इतनी शिक्षा देश में हो गई कि कौन शिक्षा का आदमी शिक्षित माना जाए, ये हम सब समझ नहीं पाए। राज्य सरकारों को प्रस्ताव भेजा गया, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को प्रस्ताव भेजा कि 65% आप खर्च करिए, 35% केंद्र सरकार उस पर खर्च करेगी। राज्य सरकारों ने उस पर आपत्ति करी और राज्य सरकारों ने कहा कि 65% आप करिए, 35% हम करेंगे और एजुकेशन टू ऑल हम करें, और प्रस्ताव रुक गया, आज पेंडिंग पड़ा हुआ है। कोई निर्णय लीजिए उस पर, क्योंकि अगर हमने आज केरल में 100% एजुकेशन है तो देश का सबसे विकसित अगर कोई प्रांत है तो केरल है। आज साउथ में एजुकेशन का प्रतिशत ज्यादा है तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट साउथ में है, सबसे ज्यादा पॉवर्टी अगर कही है तो नॉर्थ इंडिया में है, यूपी बिहार बंगाल राजस्थान, पॉपुलेशन की ग्रोथ भी उन्हीं राज्यों में ज्यादा जिस राज्य में एजुकेशन कम है। हमको पॉपुलेशन की ग्रोथ भी हमारे लिए चैलेंज है बहुत बड़ा। हम जिस तेजी से आबादी हमारी बढ़ रही है, 2050 में विश्व के सबसे बड़े देश आबादी में हम बन जाएंगे, कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे। आज वैसे भी हालत है, ट्रेनों में जगह नहीं, बसों में जगह नहीं, प्लेनों में जगह नहीं, सड़कों पर रोड जाम लग रहे हैं, आज चलना मुश्किल हो गया, कहाँ कौन जाम में पड़ जाए। एक दिन तो गडकरी जी फंस गए 1.5 घंटे, एक शादी गुरुग्राम से शादी अटेंड करके लौट रहे थे। तो अगर एजुकेशन का हमने सिस्टम नहीं ठीक किया, मैं तो प्राइवेट सेक्टर को बधाई दूंगा कि कम से कम प्राइवेट सेक्टर ने एजुकेशन सिस्टम को, ये ठीक है उन्होंने कमाई का धंधा भी उसको बनाया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने कम से कम एजुकेशन तो देश में दी। आज हमारे देश की कोई भी यूनिवर्सिटी विश्व के मानकों पर खरी नहीं उतर रही है। आज विश्व की 100 यूनिवर्सिटी के नाम जब आते हैं तो हिंदुस्तान की कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती। आखिर इसका क्या कारण है? हमने UGC पे कभी कमांड करी? क्यों नहीं हम UGC पे कमांड करते? यूनियन ग्रांट कमीशन का जब ये काम है कि यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड मेंटेन करें, 60% यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं है, इंटर कॉलेज में टीचर नहीं, डिग्री कॉलेज में टीचर नहीं, केंद्रीय विद्यालयों की हालत बहुत खस्ता, वहाँ टीचर नहीं, हम जब टीचर रखेंगे नहीं एजुकेशन की बात क्या करेंगे? स्तर गिरता जा रहा है प्राइमरी स्कूल में,
हमारे एक लड़का आया आठवां, उसने बोर्ड से फर्स्ट क्लास पास किया था, 90% नंबर थे। बोला नवे में मेरा एडमिशन नहीं हो रहा। मैंने प्रिंसिपल को बुलाया, मैंने कहा फर्स्ट क्लास लड़का, इसका तुम नवे में कैसे एडमिशन नहीं ले रहे हो। उसने जब उसका टेस्ट की कॉपी दिखाई तो चारों सब्जेक्ट में 0 नंबर पाया था। तो अगर नकल से हमको डिग्री मिलेगी, अगर नकल ही एजुकेशन का माध्यम है, खाली डिग्री, कभी कभी होता चुनाव में हो रहा था कि हम सिर्फ मार्कशीट के आधार पर नौकरी दे देंगे, तो ऐसा ना हो मार्कशीट के आधार पर योग्य लोगों को नौकरी ना मिले। जो पढ़ के पास कर रहा है उसके लिए 70%, हम लोग तो जब पढ़ते थे फर्स्ट डिवीजन आई जाती थी तो ऐसा समझता कि आकाश से तारा तोड़ रहा है। 4 या 5 फर्स्ट डिवीजन पास होते थे तो समझ आता था बहुत ब्रिलियंट लड़का है। अब तो 80% फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? AICT पे हम क्यों नहीं नकेल कर रहे हैं? AICT ने क्यों उसको कमाई का जरिया बना रखा है एजुकेशन को? हमने कभी इस पर विचार किया? हमने कभी इस पर सोचा? क्या खाली पार्लियामेंट यह है कि अपनी बात कह दें, आपने अपना लिख लिया, औपचारिकता पूरी हो गई, लेकिन वास्तविक तरफ अगर जमीन पे चीटें न उतरी तो हम देश का भला नहीं कर रहे हैं। हम तुम्हारे यहां नहीं बैठे हैं, हम निर्णय लेने के लिए बैठे। जनता ने हमको तुम्हारे बैठा ला कि पॉपुलर गवर्नमेंट है, पॉपुलर गवर्नमेंट में हमारे हित में तमाम निर्णय होंगे, लेकिन निर्णय नहीं हो रहे हैं। अगर निर्णय होते तो हमें कहने की क्या, आज कितनी गर्ल्स एजुकेशन आपकी कितनी, 55% वास्तविक रूप से गर्ल्स एजुकेशन नहीं है हमारे देश में आज तक, लड़कों की जरूर 70-75 पहुंच गई। तो अगर ये रहा तो कन्या भ्रूण हत्या कैसे आप रोकेंगे? अगर एजुकेशन लड़कियों को नहीं रहेगा तो ये, इस पर कभी विचार किया गया? क्यों नहीं लड़कियों की एजुकेशन कंपलसरी करते? लड़कियों की एजुकेशन कंपलसरी हो जाए, परिवार नियोजन अपने आप लागू हो जाएगा। लेकिन हमने एजुकेशन नहीं दी, हम एजुकेशन की तरफ नहीं बढ़ा रहे हैं। हमको इस चीज पर विचार करना चाहिए, कोई कठोर निर्णय लेना चाहिए। अगर आप भी कठोर निर्णय ले सके तो फिर मिली जुली सरकारों से कठोर निर्णय का आप कैसे आशा करेंगे? मैं चाहूंगा कोई कठोर निर्णय ले और राजनीति को अखाड़ा न बनाए। विश्वविद्यालयों को JNU में सब कूद पड़े, अब तो JNU में रोज हम पढ़ते कि ये आज ये हो गया, कल ये हो गया, ABP ने ये किया तो NSY ने ये किया, कम्युनिस्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया। छोड़िए, एजुकेशन के सेंटर को राजनीति का अखाड़ा हम ना बनाए, एजुकेशन सेंटर को हम एजुकेशन का अखाड़ा रहने दें। वहाँ चर्चा शिक्षा पे होगी कैसे अच्छी होगी, वहाँ पे चर्चा कैसे हम देश का भला करें इस पे चर्चा होगी तो बहुत अच्छा होगा। राजनीति करने के लिए तो हम आप बहुत लोग हैं अभी, अब तो ये है कि सभी लोगों को राजनीति में इंटरेस्ट हो गया। अब तो जो IAS रिटायर होता है, जो अधिकारी रिटायर होता है, वो 60 साल फाइलों का मास्टर होता है और रिटायर होते ही वो कोई दल ज्वाइन कर लेता है, और हम आप इतनी जल्दी उसको टिकट देते हैं जैसे उसने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया। देश के गृह सचिव फॉरेन मेंबर पार्लियामेंट बन गए तमाम। अब मैं बहुत चीने का हूं, हमारे मित्र हैं, भाई हैं, लेकिन राजनीति का भी कोई ना कोई एक विद्यालय बना देना चाहिए कि जब तक वहां की डिग्री नहीं लाओगे तब तक राजनीति में, ये राजनीति हर एक के लिए नहीं है। राज्य में आप इसमें क्यों नहीं बोलते, आप बोलिए। आज जिससे देखो खाली हुआ, क्या कर रहे हो? पहले जैसे था कि हम लैंड का काम कर रहे हैं, तो आज ऐसा हो गया क्या, हम राजनीति कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? ये राजनीति करते करते राजनीति कम कर रहे, दलालों का ज्यादा हो गया। अब तो कहीं कहीं हो गया कि हर दूसरे घर पे 2 लड़के राजनीति में आ गए, और राजनीति का मतलब ठेकेदारी पट्टेदारी, और यही तो है। 50 लोग चले गए DM मुर्दाबाद, DM ने कहा वो भी, क्योंकि DM खुद ही इतना कमजोर है, उसकी कलम से इतने गलत काम होते हैं। तो अगर इसको राजनीति की परिभाषा ये बना दी गई, हमको गाली लगती क्योंकि ट्रेनों में चले नेताजी जा रहे हैं, नेता शब्द गाली हो गया। अगर हम कभी ये ना बताएं MP है और सेकंड क्लास थर्ड क्लास में बैठ जाए। मैं किस्सा इसी में सुना देता हूं,
जितेंद्र प्रसाद जी हम लोग के बीच में नहीं रहे हैं, एक बार हम दोनों लखनऊ मेल से लखनऊ जा रहे थे, मुरादाबाद के पास ट्रेन डिरेल हो गई, तो हम लोग को उतरना पड़ा, नई ट्रेन आई, उस पर हम सब लोग ले जाए जाने लगे, तो हम लोग गजरौला तक पहुंचे हैं मुरादाबाद से, कितनी गाली सुननी पड़ी। हमने उनसे कहा भाई साहब भी ना बता देना आप एमपी हो या हम एमएलए, सुन लो चुपचाप इसको। तो आज अगर नेता शब्द का, एक समाना था नेता शब्द आदर का शब्द था, नेता जी आ रहे हैं, आज नेता शब्द अगर गाली का शब्द हो गया है तो हमको इसकी परिभाषा बदलनी पड़ेगी, हमको आचरण बदलना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए कि कल तक रिक्शे का किराया नहीं दे पाते थे, आज एमएलए बन गए तो गाड़ी भी आ गई, पक्का मकान भी बन गया, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई। अगर ये हमारा रहेगा स्वरूप तो फिर नेता के लिए लोगों के मन में विचार दूसरा होगा, हमको खुद अपना आचरण ठीक करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर हम सब लोगों ने नहीं किया तो धीरे धीरे इसको भी एक इसका स्तर गिरता चला जाएगा, और वो स्तर गिरता इस देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो मैं चाहूंगा इन पे भी, शिक्षा पे अगर आप विचार कर लें, मेरे ख्याल मैं बोल रहा हूँ सबको ठीक लग रहा होगा। आज लग ही नहीं रहा कि कौन बोल रहा है। मैं हरदम ऐसे बोलता हूँ, और मैं जब आपका भी स्टेटमेंट सुनता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम कोई बिहार में अभी भी जयप्रकाश नारायण बाकी है जो बोल तो रहा है सही चीजों, नहीं तो आप तो राजनीतिक दलों ने इतनी गुलामी बाध्य कर दी है कि प्रवचन सुनने को मिलता ही नहीं है, लोगों के प्रवचन बोलने में लोगों को दिक्कत होने लगी। हम बैंकों पे आते हैं, इंदिरा जी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, अभी तो पांच चार मिनट बाकी है। अगर हाउस अलाउ करते तो बोलने दीजिए थोड़ा सा। या बोलिए। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण 71 में किया था। राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था कि तब पूंजीपतियों की बैंकें थीं, गरीबों को सुविधा नहीं थी। राष्ट्रीयकरण किया गया कि गरीबी हटाएंगे, बैंक ऋण देंगे, सस्ते ब्याज पर लोगों को ऋण उपलब्ध होगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, कुटीर उद्योग बढ़ेगा, देश में बेरोजगारी दूर होगी। लेकिन आज बैंकों को, आज 12% एनपीए बैंक का हो गया, विश्व में किसी भी देश में बैंक का एनपीए 12% नहीं होगा। हम 20,000 करोड़ रुपए अपने बजट से देते हैं। मैं उस दिन पढ़ रहा था, शायद सरकार ने निर्णय लिया कि अब हम अपने कोष से बैंकों को कोई नहीं देंगे। विश्व का लाइबोर रेट ब्याज का 1-2% नहीं ऊपर, लेकिन हमारी कोई बैंक 14% से कम पे ब्याज नहीं देती। अरे किसानों को 1-2% पे लाइबोर रेट पे दे दीजिए, क्यों नहीं आप लाइबोर रेट पे देते? आप जितना भी विश्व में कर्जा वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, यूरोपियन बैंक से ले रहे हैं, जापानी बैंक से ले रहे हैं, सारी बैंक से आपको जो ब्याज दर दो 1-2% मिल रही है, बल्कि 1% विश्व में है, 1.5 है। हाँ, तो और हम क्या ले रहे हैं? धीरे धीरे जो सेविंग खाते हैं उनको भी हम कम करते जा रहे हैं रेट। ओल्ड एज वालों को क्या होगा जो एफडी जमा करते थे, सोचते थे हमको 8-9% ब्याज मिलेगा, उनकी ब्याज दर 7% पे कटौती होके आ गई। सेविंग में तो बैंक कहता कि 3 निकासी से ऊपर तो हम पैसा काटेंगे। उस दिन हमारे मित्र सीताराम येचुरी जी कह रहे थे 144 रुपए उनके कट गए, उन्होंने निकासी भी नहीं करी। उन्होंने कहा एटीएम से पैसा निकालोगे, पेटीएम एक नया आ गया, अब तो ऐप भी आ गया। तो अगर इस देश में व्यवस्था लागू होगी कि हमें पैसा जमा करने पर ब्याज देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो फिर कैसे चलेगा गरीब देश? आप ठीक है बड़ों के करंट अकाउंट वालों से आप लीजिए पैसा कटौती का, करंट अकाउंट पे हम नहीं मना करते, लेकिन सेविंग और फिक्स डिपॉजिट को तो कम से कम इससे बचाइए। एक बैंक ने एक्ट, सीक्रेट एक्ट बना रखा है, बैंक सीक्रेट एक्ट ये कहता है कि बैंक के कौन बकायेदार हैं इसको हम नहीं ओपन करेंगे। मैं फाइनेंस कमेटी में मैंने बहुत बार इसका विरोध किया कि गांव के गरीब पर अगर 10,000 भी कर्जा है तो आप तहसील के गेट पर लाल अक्षरों से लिख देंगे, लेकिन अगर पूंजीपतियों पर लाखों करोड़ कर्जा है तो आप क्यों नहीं उनकी लिस्ट प्रकाशित करेंगे? आप डिक्लेयर कर दीजिए इस एक्ट को हम समाप्त करते हैं,
कल सारे अखबारों में अगर देश के 100 बकायेदार बड़ों का नाम आ जाए तो देश के सामने एक नई क्रांति पैदा हो जाएगी। देश जान जाएगा कि किसके पास देश का कितना रुपया है, बैंकों में किसने कितना रुपया दिया, नोटबंदी में कैसे बड़े लोगों का नोट बदला गया, किन किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, आखिर कुछ तो पता लगे, कहीं पर तो मिले। और अगर आप स्टूडेंट और किसान के लिए 2% 3% ब्याज पे कर दीजिए, क्योंकि बेरोजगारी है, लड़का पढ़ के निकलता, माँ बाप अपनी पूरी पूंजी लगा देते हैं, ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, क्या हालत देश के सामने है, तो मैं समझूंगा कि ये देश के साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। कुछ स्टेप लीजिए, वित्त मंत्री जी होते तो मैं बहुत सी चीजें कहता कि वित्त मंत्री जी ये सुधार करिए। अब बैंक के CMDs को इंस्ट्रक्शन जाना चाहिए कि अगर कोई MP फोन करेगा तो उसकी जिम्मेदारी होगी उस MP को रिप्लाई दे। आज अगर कोई MP किसी, मैं तो इतने सारे मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं, दूसरे तरह के उधर बैठे हैं, आप किसी बैंक के CMD को फोन कर लीजिए, कभी लाइन पे नहीं आएगा, आपसे लौट के बात भी नहीं करेगा। आखिर क्यों, हमारा प्रोटोकॉल है, हम अगर कुछ बैंक से पूछने चाहते हैं, कोई बात करने चाहते हैं, हमारे यहाँ पे कोई अगर बेरोजगार आया, हम बेरोजगार के संबंध में बात करना चाहते हैं, तो बैंक का CMD हमसे बात नहीं करेगा, ये कौन सी बात ही होगी। एक इंस्ट्रक्शन दे दीजिए संतोष गंगवार जी, दे दीजिए इंस्ट्रक्शन। आप ज्यादा मृदुभाषी हैं, ज्यादा सीधे हैं, राजनीति में सीधा होना बहुत अच्छा नहीं होता, राजनीति में थोड़ा सा टेढ़ा भी होना चाहिए। अब मैं इसी मारे कह रहा हूँ, शरीफ तो हम भी बहुत हैं, लेकिन हमारा सर्टिफिकेट दूसरी यूनिवर्सिटी से है, इनका सर्टिफिकेट हर साल बैंक से करीब 6-7 हज़ार करोड़ रुपए माफ होता है। क्यों माफी हो रही है? माल्या भाग गए, ललित मोदी भाग गए, तमाम और लोग कर्जे जो लिए, मुझे मैं नाम नहीं लेने जाता हूँ। बहुत कार्रवाई कर रहे हैं, अभी कल भी परसों एक सवाल था तो उसके उत्तर में ऐसा किया जा रहा है, इसके तथ्य हम आपको बाद में बता देंगे। आरोप इन पर नहीं लगा, ये दुख होता है। हम आप पे नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम भी मंत्री थे तब कह रहे थे आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, ये आश्वासन भी नहीं बनता है और कार्रवाई का अंग भी नहीं बनता है। इन शब्दों को डिक्शनरी से राजनीति से निकाल दीजिए, आज घोषणा कर दीजिए कि हम 3 महीने के अंदर जितने बड़े बकायेदार हैं, या वो OTS कराएं या बैंकों का रुपया जमा करें, वो रुपया जमा होना चाहिए बैंक को। अभी तो बहुत ओके, हमने सोचा था 1 घंटे तक का बोलने का मौका मिलेगा, आपको 45 मिनट से ज्यादा हो गया। सीमेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे हम आते हैं, कितना 5 मिनट फिर ले लो, और 5 मिनट ले लो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे आते हैं। ये तो आप सौभाग्यशाली हो, तो बजट ही बोल रहा हूँ, आप बड़े सौभाग्यशाली कि आपके जमाने में क्रूड ऑयल का रेट नहीं बढ़ा, कितनी सेविंग हुई। हाँ वही हमने कहा कि एक जमाने में 120 रुपए तक पहुंच गया था, आज 50-51 रुपए में $120 प्रति बैरल था, लेकिन आज बहुत गिरा, बहुत सेविंग हुई। आपकी उत्पादन लागत पेट्रोल की 23 रुपए है, आपकी लागत डीजल की 19 रुपए है, आप लोगों ने खुद ही सदन में ये दिया, फिर क्यों 70 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है, क्यों 60 रुपए में डीजल बिक रहा है? और पड़ोसी देशों में देख लो, नेपाल पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या रेट में मिल रहा है, क्यों हम इतना टैक्स लगा रहे हैं, क्यों राज्य सरकारें इतना टैक्स लगा रही। आखिर इसको तो हम कहते हैं आप बता दीजिए, आप नोट कर लीजिए कि हम बताएंगे कि क्रूड ऑयल से कितने रुपए में हमारा पेट्रोल बन रहा, कितना डीजल, आप किरोसिन ऑयल की सब्सिडी घटा रहे हैं, किरोसिन ऑयल का जिलों का राज्यों का कोटा घटा रहे हैं, धीरे धीरे आप कहते हैं किरोसिन ऑयल भी फ्री कर देंगे, अभी गाँव में बिजली नहीं सबको है, क्या आप कैसे आप ये जो मुनाफा कमा रहे हैं, मुनाफा जब ये सरकार गई थी सिलेंडर, हमारी बहन ज्यादा जानती होंगी, तब 500 रुपए कुछ में सिलेंडर था, आज 800 रुपए में सिलेंडर का कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। उज्ज्वला योजना के नाम पर लोग भूल गए कि सिलेंडर की कास्ट कितनी हो गई, 500 का सिलेंडर 800 रुपए में आपने कर दिया। देखिए तो आप तो ऋषि पानी बोल रहे थे, फिर गड़बड़ा रहे हैं।
हम गड़बड़ा करते ही नहीं, हम सत्य बोल रहे हैं, असत्य से दूर हैं हम। आज सिलेंडर की कीमत इतनी बढ़ गई, कोई नहीं बोल रहा, क्यों नहीं सरकार बताती कि आखिर सिलेंडर की कीमत क्यों हमने इतनी बढ़ा दी, क्यों इतने दाम है पेट्रोलियम के हाई। अगर इस देश में आप पेट्रोलियम पदार्थ सस्ता करें तो महंगाई अपने आप रुक जाएगी। आप जब तक हमारी थोक सूचकांक गिरा, फुटकर सूचकांक गिरा, सरकार घोषणा कर देती महंगाई घटी, कहां पर से घटी। आज 100 रुपए का नोट तो जेब में रखने नहीं चाहता, भिखारी को कहीं 1 रुपए 2 रुपए दे दो तो चाहे तो गाली देगा, 10 से नीटता तो भिखारी भी नहीं ले रहा है आज इस देश में। तो हम कहां खड़े हैं, अगर इस पर हमें विचार करना पड़ा कि नहीं पड़ता, हम क्यों नहीं। अगर क्रूड ऑयल की कीमत गिरी तो हम पेट्रोल की कीमत, आपने कहा हमने मार्केट पर छोड़ दिया है, पेट्रोलियम कंपनी मजा करने लगी क्यों, कहते हम सरकार के अधीन नहीं हो गए, हम फ्री हो गए, पेट्रोलियम कंपनी कह रही है। हमने एक दिन उठाया था दवा का कि जेनेटिक और नॉन जेनेटिक दो दवाएं जो आपने बनानी शुरू करी, स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं खत्म कर दे रहा हूं क्योंकि और लोग भी बोलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी स्वास्थ्य नीति की घोषणा करी, परसों स्वास्थ्य मंत्री जी नई स्वास्थ्य नीति की सदन में घोषणा कर रहे थे, अखबारों में बड़ा मोटा मोटा विज्ञापन छपा कि ये सरकार जिम्मेदारी लेती कि हर एक के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार लेगी, कोई गरीब दवाई से वंचित नहीं होगा, कोई गरीब इलाज से वंचित नहीं होगा। कैसे आपने ले ली जिम्मेदारी, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, सीएससी पीएससी खाली, प्राइवेट डॉक्टर पास चले जाओ तो इतनी जांच लिख देगा उसमें इतना कमीशन हो जाएगा, ब्रांडेड कंपनी की दवा और जेनेटिक दवा के दाम में 100 गुना अंतर। आप जेनेटिक खरीदेंगे 10 पैसे की मिलेगी, आज एंटीबायोटिक हर डॉक्टर विश्व में कोई जगह एंटीबायोटिक लिखते नहीं, यहाँ खांसी आ जाए, जुकाम आ जाए, छींक आ जाए, आप डॉक्टर पास चले जाओ पहले 7 दिन की एंटीबायोटिक लिख देगा, कोई एंटीबायोटिक की गोली 70 रुपए से नीचे नहीं। कैसे आप दवा मुफ्त दे देंगे, आप हेल्थ पॉलिसी को डिक्लेयर करेंगे जैसे पूरे वर्ल्ड में है कि इंश्योर्ड पॉलिसी है, जो गरीब जिस अस्पताल में इलाज कराएगा बीमा कंपनी उसकी जिम्मेदार होंगी पैसा कर लेने के लिए, तो हम समझे कि आपका स्वास्थ्य पॉलिसी बहुत अच्छी है। आपका डॉक्टरों पर कोई कंट्रोल नहीं, अस्पतालों पर कोई कंट्रोल नहीं, एम्स में 3-3 साल के लिए आदमी को तारीख मिल रही है, एम्स में आप किडनी बदलवाने चले जाइए, हार्ट की दवा कराने चले जाइए, 6 महीने 1 साल से पहले आपको तारीख नहीं मिलेगी, सफदरजंग चले जाइए भीड़ लगी हुई है, मैक्स वगैरह चले जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल तो बड़े बड़े लोग जा सकते हैं, गरीब तो उसके अंदर घुस ही नहीं सकता, दरबान नहीं घुसने देगा जहां लाठी लेके गरीब घुसेगा, तो आप कैसे स्वास्थ्य देंगे, आखिर ये तो बता दीजिए स्वास्थ्य कैसे देंगे। नरेश जी कंक्लूड कीजिए। चलिए मैं फिर, अब डिप्टी चेयरमैन साहब का आदेश है, आप जो करिए सही करिए, करिए जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था पिछली कि किसी की किडनी किसी का हार्ट का इलाज होगा बिल देगा राज्य सरकार बियर करेगी, आप कर दीजिए केंद्र सरकार से घोषणा कि कोई भी गरीब इलाज कराएगा उसका रिएम्बर्समेंट केंद्र सरकार देगी, हम समझे कि गरीबों का इलाज हो रहा है, गरीबों के चुनाव सुधार की आप बात कर रहे हैं, अभी आएगा भी परसों डिस्कशन के लिए, उत्तर प्रदेश में कितना पैसा खर्च हुआ, आया है सर्वे में 5500 करोड़ रुपया, 5500 करोड़ रुपया पूरे देश में इस बार चुनाव में खर्च हुआ, आपने कह दिया 2000 से ऊपर अगर कोई नगर लेगा नहीं, ये रुपया कहां से आया, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 1-1 प्रत्याशी को 1-1 लाख रुपया दिया गया, ये कहां से रुपया आया, कहां पर से चुनाव सुधार के बाद, कौन सा चुनाव सुधार, 1-1 करोड़ रुपया कहां से पैसा आया, आखिर कहीं सुधार पे तो कहीं हम सब राजी है, इलेक्शन सुधार परसों हम लोग डिस्कस कर लेंगे इलेक्शन सुधार पे। ओके ओके ऑलराइट, बाबा भी टकसाल से ही आए। ओके ओके, मैं इतने कहूंगा, चलिए जो खत्म हो रही है,
कि कम से कम विदेश नीति भी ठीक कर लीजिए, और जो विश्व में हमारे देश के नागरिक मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, अमेरिका ने H1B1 वीजा खत्म कर दिया, तमाम अमेरिका से हिंदुस्तानी वापस आ रहे हैं, कम से कम चीजों को एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए। जहां देश का प्रश्न आएगा हम सब आपके साथ खड़े होंगे। ओके, हम राजनीति छोड़ने के तैयार हैं जब देश का प्रश्न आएगा। ऑलराइट, लेकिन जहां राजनीति का प्रश्न आएगा हम जरूर अपने विचार देंगे, अपनी बातों को कहेंगे, हम सुधार भी करेंगे, आलोचना भी करेंगे। हमारी आलोचना को व्यक्तिगत मत लीजिएगा, हमारी आलोचना को ये समझ लीजिएगा कि विपक्ष ने हमको आईना दिखाया है, हम किस आईने को देखना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। मैं सकता हूँ अगर इन विचारों को लेकर हम सब राजनीति करेंगे, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो इस राष्ट्र को निर्माण में कहीं ना कहीं हमारा योगदान होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना बजट इतनी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी, नरेश अग्रवाल जी, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा पॉइंट्स बोला।